Hi everyone, welcome to my channel Live Young and Creative and मेरा नाम पल्लवी वर्मा है. And अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो kindly subscribe to my channel and like all my videos. This 2 BHK के rented flat में there are almost 60 to 70 plants in my house. तो आज मैं आपको ऐसे top 5 plants के नाम बताने वाली हूँ जो कि indoor रह सकते हैं एंड जिनको बहुत कम लाइट की जरूरत है. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दीज प्लांट्स आर दे रिक्वायर वेरी वेरी लेस केयर एंड ये आपके घर को बहुत बहुत खूबसूरत बनाते हैं, जैसा कि आप मेरे आसपास देख रहे हैं. और अगर आपको देखना है कि कैसे अपने घर इंडोर्स को प्लांट से सजाए तो यू कैन गो बैक टू माई दिस वीडियो वेर यू कैन चेक हाउ टू डेकोरेट योर होम विद इंडोर प्लांट्स. So let us start my top 5 picks for indoor plants. Erica plant is one of the best plants to keep indoors. ये आपके घर के माहौल को भी अच्छा लगता है, पॉल्यूशन भी कंट्रोल करता है एंड इट लुक्स अमेजिंग एवरीवेयर. बस आपको इसको एक सनी से कॉर्नर में रखना है. अगर आपने इसको किसी और कोने में रखा तो मेक श्योर करें कि हर हफ्ते में 2 दिन के लिए या फिर 10 डेज के बाद आप इसको ला के धूप में रख दें. और पानी ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. आप वाटरिंग तभी करें जब आपकी मिट्टी सूख गई हो. एक्सेस पानी या कम पानी होने के कारण इसका रूट रॉट हो सकता है या फिर लीव्स ऐसे बर्न हो सकते हैं, जैसा कि अभी मेरा हो रखा है. तो बस सिंपल सा एक फंडा अपनाइए, हर 10 दिन पे इसको 2 दिन के लिए धूप में रखिए या फिर अगर एक सनी से कॉर्नर में रखा है तो परफेक्ट है. और पानी तभी दीजिए जब इसकी मिट्टी हल्की सूख गई हो या पूरी सूख गई हो. मनी प्लांट्स मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और मेरे घर में आपको बहुत सारे मनी प्लांट्स दिख जाएंगे. और ऐसे हेल्दी शाइनी ग्रीन लीव्स से मुझे बहुत खुशी मिलती है. बस इसको वाटर करने का फिर से वही फंडा है, पानी तभी दीजिए जब ये मिट्टी सूखी हो. जैसे कि इस मिट्टी में मैं पानी अभी तो नहीं देने वाली. आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, बस इसको नोड्स पे से ट्रिम कीजिए एंड जस्ट पुट इन द वाटर, एज सिंपल एज दैट. एंड ये कुछ दिन में इससे रूट्स भी निकल आएंगे. लुक एट दिस डोरवे, इस दरवाजे पे मैंने इस तरीके से मनी प्लांट लगा दिया है. और स्ट्रेस मत लीजिए, इस लाइट से प्लांट को कोई भी हार्म नहीं होता. कुछ इस तरीके से मैंने छोटे मोटे शेल्स पे भी मनी प्लांट्स लगा रखे हैं और साथ में ही मैंने अपने फ्रिज के ऊपर तो ऑलमोस्ट उसका खुद का जंगल हो रखा है. लुक एट दिस गॉर्जियस फॉलिंग मनी प्लांट्स ऑन माय फ्रिज. Snake plants are one of the easiest plants to grow and hardest one to kill. कहा जाता है कि इसको आप बस खरीद के अपने घर पे लगाइए और भूल जाइए. It's also said कि बाकी plants की तरह दिन में तो ऑक्सीजन देता ही है, ये रात में भी आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. That means this becomes the best plants to keep it indoors. And पानी तो आप इसको महीने में भी एक बार देंगे तो भी चलेगा, बट आई प्रेफर वाटरिंग इट व्हेनेवर द सॉइल इज ड्राई. आप देख सकते हैं ये प्लांट में से नए नए बेबीज आ रहे हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी देम ग्रो. इसको आप पानी में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं. और पानी में भी प्रोपोगेट करने के लिए आप सिंपल हफ्ते में एक बार पानी को चेंज कीजिए एंड वाटर लेवल सिर्फ 1 इंच, ज़्यादा नहीं. मैं इसको हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार सारे प्लांट्स के लीव्स को एक बार धो देती हूँ या गीले कपड़े से वाइप कर देती हूँ एंड दे लुक्स फ्रेश एंड गुड. एंड इससे भी छोटे छोटे बेबीज आ रहे हैं. हाँ, पेस बहुत स्लो रहेगा, ये पिछले 1.5 साल से मेरे पॉट्स में है एंड
ये बेबीज अब आ रहे हैं। आई मीन दिस वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। मुझे नहीं पता था कि पानी में प्रोपोगेट करते वक्त भी इससे छोटे छोटे बेबीज आएंगे, बट आई एम हैप्पी टू सी देम ग्रो। Aglaonemas are gorgeous plants. इनके बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन पत्ते बहुत फ्रेश और ब्यूटिफुल लगते हैं। एंड ये बोथ इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स हैं। इनके पत्तों को जस्ट फ्रेश एंड ग्रीन रखने के लिए कुछ दिनों में, लाइक इन 10 days और 15 days, बस आप गीले कपड़े से वाइप करके क्लीन कर दीजिए एंड दे लुक अमेजिंग। I'm in love with my own plants. Look at them. They're so beautiful. And watering karne ka fir se wahi tarika. Water only when they are dry. Bas, and your plants will remain happy. Agar aap isko indoors rakhte hain to har kuch din pe aap isko bahar rakhiye. Like I follow the routine of keeping all the plants out on every Sunday evening. Syngoniums. This cute heart-shaped plant is super easy to keep at home. आप इसको घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। सनी और एरी एरिया में तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बट अगर ये डार्क एरिया में है तो बस इसको हर 10 दिन पे या एक हफ्ते के बाद थोड़े दिन के लिए धूप में रख दीजिए। एंड अगेन सेम मूल मंत्र, वाटर व्हेन द सॉइल इज ड्राई। लुक एट दोस क्यूट लिटिल बेबीज कमिंग आउट। मैं बस इसको क्लीन और फ्रेश रखने के लिए हर 10 डेज पे इसके लीव्स को या तो शावर से क्लीन कर देती हूँ या गीले टॉवल से। एंड वन मोर फैक्ट, इसको बहुत ईजीली पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। Look at these healthy roots. मैं हर वीक इसके पानी को चेंज करती हूँ। बस एक ही चीज़ याद रखिए, जितने भी येलो या डेड लीव्स हैं उसको आप अच्छे से रिमूव करते रहिए। एंड कीप वाटरिंग एंड कीप हैप्पी प्लांट्स एट योर होम। सो दीज वेर माई टॉप 5 इंडोर प्लांट्स। आई होप आपको भी ये इंडोर प्लांट्स चूज करने में हेल्प करेगा। Leave your suggestions and comments in the comment section below. Until then, keep watching, keep smiling and keep safe. Also, like, share and subscribe to my channel. Until next time, thank you.